ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसफिशियंट लेंथ का मतलब मैं सेम 2 सेंटीमीटर रेडियस के ट्यूब का ट्यूब ले रहा हूँ, बट वो 10 सेंटीमीटर से कम ले रहा हूँ, क्योंकि 10 सेंटीमीटर लिक्विड राइज करा तो मैं 10 सेंटीमीटर सपोज 5 सेंटीमीटर का ट्यूब ही लिया। तो ऐसा आपको लगता है कि जब 5 सेंटीमीटर ट्यूब को डिप करोगे है ना, तो वाटर क्या करेगा, बाहर आने लगेगा इससे, क्योंकि वाटर जो है 2 सेंटीमीटर रेडियस के ट्यूब में, स्मॉल आर इक्वल 2 सेंटीमीटर रेडियस के ट्यूब में कितना राइज कर रहा है वाटर, 10 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। तो अगर हम लोग वही 2 सेंटीमीटर रेडियस का ट्यूब 5 ही सेंटीमीटर टोटल लेंथ का लें, तो आपको लग रहा होगा कि पानी बाहर आने लगेगा, ऐसे यहाँ से बाहर आने लगेगा ऐसे ऐसे, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये मेनिस्कस अपने आप को इस फॉर्म में एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इनसफिशियंट लेंथ का है तो क्या होगा, मान लेते ये एच बाई टू लेंथ का है, पूरा पाइप ही एच बाई टू लेंथ का है ना, तो होगा क्या, पानी जो है इसमें पूरा यहाँ तक एच बाई टू हाइट तक राइज करेगा, क्या करेगा, h बाई टू हाइट तक राइज करेगा, ठीक है। इसको मान लिया हमने h1, ठीक है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस बार ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r1। तो हम लोग क्या देखते हैं, h into r विल बी इक्वल टू h1 into r1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h into r विल बी इक्वल टू h1 into r1। तो अगर मुझे r1 निकालना है तो लिख सकते हैं h into r h1 कितना हो जाएगा, h/2 into r1, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 2r आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, ये h कैपिलराइज घट गया जब इनसफिशियंट लेंथ हमने लिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 बढ़ गया, यानी कि ये हमारा क्या सेटिस्फाइड है। यहीं से दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सपोज हमने ये ट्यूब लिया h हाइट तक, इसमें लिक्विड राइज किया, हमने यहाँ से काट दिया ट्यूब को, सपोज़ यहाँ से हमने ट्यूब को काट दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि पानी क्या होगा, इससे बाहर आने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है, पानी बाहर नहीं आएगा, इतना हाइट तक राइज करेगा, उसके बाद यहाँ पे जो मेनिस्कस होगा ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा और पानी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट नोट करें, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर आपको समझ में आएगा, फटाफट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट लेंथ लिक्विड राइजेस टू द हाइट ऑफ ट्यूब and radius of meniscus adjust itself in such a way that liquid does not come out of the tube, ठीक है, ये चीज़ होता है। जैसे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लें फटाफट, हो गया। चलो तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, मैं क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, फटाफट आप सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया रहा है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 0.1 मिलीमीटर इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 75 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। देन हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करें, हो गया। चलो कुछ लोग देखते हैं इसको, हमने क्या देखते हैं, कैपिलराइज का हमारे पास फार्मूला क्या, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो gr,
आर क्या है यहाँ पे, हमने कॉस थीटा है ना, तो आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, तो हम लोग लिखते हैं टू। अच्छा सब कुछ सी जी एस में लेके चलते हैं, सब कुछ सी जी एस में दिया, सब कुछ सी जी एस में लेके चलते हैं। टू इंटू 75 इंटू कॉस जीरो, रो सब कुछ सी जी एस में लेके चलते हैं वन, जी से सी जी एस में ले लेते हैं तो सी एस आई, जी का वैल्यू एस आई में कितना होता है 10, सी जी एस में कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 इंटू आर। आर देखिए कितना दिया, और डायमीटर दिया हुआ ना 0.1, तो आर रेडियस कितना आ जाएगा 0.1/2। अब इसको भी हमें लेना है किसमें, सी जी एस में, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.1/20, यानी कि इसको हम लोग ले सकते हैं 1/200, तो 1/200, ठीक है। तो ये दो जीरो इस दो जीरो से ख़त्म, तो एच कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 150/10 इंटू हाफ, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कुछ लोग आँख बंद करके ऑप्शन ए लगा दिए, गलत भाई, कैपिलरी राइज होना है 30 सेंटीमीटर, बट आपके पास 5 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब ही है, तो ये कौन सा केस हो गया, कैपिलरी राइज इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट लेंथ। तो पाँच कैपिलरी राइज जब आप इस 0.1 मिलीमीटर डायमीटर के ट्यूब को जब इंजर्ट कर रहे हो, तो कैपिलरी राइज होना है 30 सेंटीमीटर, बट उतना अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि लिक्विड कहाँ तक राइज करेगा, 5 सेंटीमीटर तक राइज करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि मेनिस्कस का रेडियस इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि लिक्विड बाहर नहीं आएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 5। इज़ दैट क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा 5। अब मैं पूछूं, अच्छा 5 सेंटीमीटर राइज की, अब मेरे को मैं पूछूं कि बता दो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा मेनिस्कस का, तो आप याद करो मैंने फार्मूला डेवलप कराया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई आर, तो थीटा तो जीरो है, तो स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर, बोलो। तो अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या लगाएंगे, H1R1 इज इक्वल टू H2R2। H1 कितना है बोलो, पहले 30 सेंटीमीटर राइज कर रहा था ना, 30, और सर कैपिटल आर होगा ना, ये कैपिटल आर होगा, हाँ, तब हम लोगों को R1 निकालना है ना, इज इक्वल टू H2 कितना है, H2 कितना है, एक मिनट रुको, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सॉरी। अच्छा 30 सेंटीमीटर तक राइज करता, ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, ये लिक्विड ट्यूब था मान लेते हैं, ठीक है, ये लिक्विड ट्यूब था, ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा सफिशियंट लेंथ है अगर, तो ये 30 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है ना, और उस इंस्टेंट पे इस मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कितना है, R1, ठीक है, बट हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब ही लिया, तो लिक्विड पूरा 5 सेंटीमीटर तक राइज करेगा, H2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तक राइज करेगा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R2 मेनिस्कस, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अब ये हम लोगों को R2 निकालना, तो हम लोग क्या लगा देंगे, H1R1 इज इक्वल टू H2R2, तो अब H1 कितना, 30, तब ये मेनिस्कस कितना होगा, R1, अच्छा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो R1 किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल r के बराबर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कितना है, 1 है ना, 0.1 मिलीमीटर डायमीटर है ना, तो 1/2 रेडियस हो जाएगा, इज इक्वल टू H2 कितना है, 5 इंटू R2 हम लोगों को निकालना है, ठीक है, R2 हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, तो R2 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 से काट देंगे 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.6/2 इज इक्वल टू R2, तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा, 0.3 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पे अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, 0.3 मिलीमीटर, इज दैट क्लियर, नोट कर लो फटाफट, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन, फिनिश हो चुका है। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, सिंपल मैं ही बता दे रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ करूँ रेडियस ऑफ ट्यूब वर्सेस कैपिलरी हाइट, तो ग्राफ क्या आएगा, हमने बताया था ना H इंटू R क्या होता है, कॉन्स्टेंट, बोलो यस और नो, तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला,
बोलो, सिंपल सी बात है, ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। नेक्स्ट चीज, सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ घटता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, इन डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर राइज। मतलब अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा हूँ, तो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू होगा लिक्विड का वो क्या करेगा? घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। इसीलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई हॉट सूप इज मोर टेस्टी कंपेयर टू, हॉट सूप इज मोर टेस्टी कंपेयर टू कोल्ड वन। ठीक है, तो आप लोग इसको सोचिएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन पार्ट खत्म हो चुका है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, और हम लोगों का जो विस्कोसिटी है वो आधे घंटे का लेक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। ओके, चलो, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए।